अच्छा, अपना फेवरेट प्ले तो बताएं आपका, जो आपने खुद किया और आपको लगता हो कि ये मेरा टिल डेट फेवरेट ड्रामा है, भले वो पुराना हो नया हो, जो आपको लगता है कि आई थिंक स्टेटमेंट वाइज अगर कहा जाए तो हवा की बेटी, ठीक है, वो अच्छा था। हाँ, मतलब उसमें कोई मैसेज, सब्सटेंस, ऑफ कोर्स, ओके। मतलब अभी भी यही बात है कि अगर काम करना है तो देखिए ना, एंटरटेनमेंट मीनिंगफुल काम होना चाहिए, कोई थॉट प्रोवोकिंग काम नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को जलील करके नहीं। आप लोगों की यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनके पीछे एक एक कहानी है, जो ऐसी कहानी है जो आप उनके जो ना बिल्कुल लेयर के ऊपर लेयर है, तो हर इंसान एक कहानी लिए घूमता रहता है। तो हम क्यों ना लोगों की इस्लाह के लिए मतलब मीनिंगफुल काम करें, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो शुरू से यही रहा है। सत्यजीत रे एंड श्याम बेनेगल एंड अब्बास कियारोस्तामी एंड असगर फरहादी एंड इस किस्म का स्कूल है जो रियलिस्टिक सिनेमा है, जिसमें मैं बिलीव भी करती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बोरिंग सिनेमा है, इसका ये मतलब है कि थॉट प्रोवोकिंग है। कम से कम हम लोगों को सोचने पे, हम उनको कुछ दे नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, लेकिन सोचने पर तो मजबूर कर सकते हैं ना। जब सिनेमा से निकले तो कुछ तो सोचें ना, आपने कुछ उनको दिया है, तो अगर फूड फॉर थॉट ना, एग्जैक्टली। तो आप इतना पैसा भी लगाएं, इसलिए हमने सोचा हमारे, मुझे तो कोई पैसा नहीं देगा इस किस्म का कोई स्क्रिप्ट करने के लिए, कोई भी नहीं देगा। उन्होंने कहा शशके चाहिए, इसमें एक्टर कौन है, इसमें हीरो कौन है, और इसमें नाम क्या है, इसमें लड़की कौन है, इस लड़की की उम्र कितनी है, जैसे इस किस्म के सवाल आते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो फिल्म बनानी है, लेकिन अपने टर्म्स पे बनाऊंगी, चाहे लो बजट हो, लेकिन अपने टर्म्स पे बनाऊंगी और रियलिस्टिक सिनेमा ही बनाऊंगी, क्योंकि जिन कैरेक्टर्स के लिए, जिन लोगों के लिए मैं केयर करती हूँ, उनके ऊपर बनाऊंगी और उन्हीं के लिए बनाऊंगी, ताकि लोग थोड़ा सा कुछ ये ऐसे है ना कि मतलब वो जो रवायती चीजें छोड़ के तो कोशिश करना, उसके लिए और बहुत सारे लोग हैं, इसी हर इंसान का अपना एक विजन होता है। सो ये फिल्म कंप्लीट नाउ ना, माशाल्लाह, जी जी जी। एंड कब हम देख रहे हैं वो फिल्म? रिलीज डेट भी आ गई है। अच्छा, कब है? लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती। नहीं बता दें यार, नहीं फायदा होगा बता दें, मुझे पता लग जाएगा, फिर हम सबको रोज बताऊंगा मैं। तकरीबन अंदाजन आई थिंक 23 मार्च। 23 मार्च, वो हंस रहे मेरी बात पे कि मैं लोगों को रोज बताऊंगा। मैं तो आपकी फिल्म को खुद देखने आऊंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड हो। मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा और बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, मैं डिटेल्स नहीं दूंगा ऑब्वियसली, बट आई एम वेरी श्योर कि You've done a wonderful job. उसकी पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत होगी, and I'm looking forward to it. All the luck. Message तो है ना उसमें. Yeah, and all the luck to you for the film. All the luck. Thank you. किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है आजकल? जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट रेडी है, जो मैं मोहम्मद अहमद साहब को भी कह रही थी। हस्बे रिवायत। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल जाएंगी। देखते हैं, सादिया जब्बार के पास जब मैंने कहा था आपको लेंगे प्ले में, वो हमने प्ले ही नहीं किया। सादिया ने कहा अहमद साहब को लेते हैं, साथ एक्टिंग भी करेंगे, वो प्ले ही नहीं बन सका जिस पे बात हो रही थी, और उसके बाद मैंने कोई प्ले नहीं की। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।